हूँ आपके साथ दीपिका पांडे। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी का दिल जीत लिया और उसकी चर्चा हो रही है। दरअसल पद्म पुरस्कार से इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी और इंफोसिस फाउंडेशन के चेयरमैन सुधा मूर्ति को भी सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में सुधा अपने पूरे परिवार के साथ पहुंची। इनमें उनकी पत्नी और ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी अक्षता मूर्ति भी शामिल थी। अक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी है। अक्षता की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोग उनकी सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि पद्म सम्मान समारोह में अक्षता ट्रेडिशनल कपड़ों में दिखाई दी। उन्होंने साड़ी पहन रखी थी। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि दुनिया के बड़े देशों में शुमार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पत्नी होने के बावजूद अक्षता ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता नहीं छोड़ी। वो भारतीय संस्कार को बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, सम्मान समारोह के दौरान भी बेहद सादगी भरे अंदाज में अक्षता दिखाई दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले अक्षता अपने परिवार के साथ अतिथियों के बीच में बैठी थी। उन्हें पीछे की पंक्ति में सीट मिली थी। हालांकि जब इसकी जानकारी अफसरों को हुई तो उन्होंने अक्षता को सबसे आगे की पंक्ति में सीट पर सम्मान बैठाया। अक्षता को विदेश मंत्री एस जयशंकर के बगल में सीट मिली। उनके दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनके परिवार के सदस्य बैठे थे। मां सुधा मूर्ति को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर रही थी तो अक्षता की आंखों में चमक देखने लायक थी। वो लगातार तालियां बजा रही थी। अब अक्षता की इस सादगी पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं।